नमस्कार मेरे बच्चों मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वुगली स्टूडियो में कैसे हैं मेरे दोस्तों हर हर वुगली घर घर वुगली तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और शेयर कर दीजिएगा हमारे उन दोस्तों के साथ में जिनको नहीं पता है कि सर का क्लास शुरू हो चुका है तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा बात को वो हमारे दोस्त जिनको नहीं पता है हमारे साथी नर्सिंग प्रोफेशन के हमारे स्टूडेंट उन को जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिएगा बेटा जिनको नहीं पता है एग्जैक्टली दस बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है और आप लेट नहीं हो लेक्चर को शुरू करते हैं दोस्तों तो मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वुगली स्टूडियो के अंदर और दोस्तों शुरू करने वाला हूं आज का ये सेशन और इसके अंदर दोस्तों कार्डियोलॉजी के शुरू में जो प्लान जिसने भी एनालिसिस एनालिसिस वाला वाला सेशन सेशन नहीं देखा है वो वाला सेशन पूरा देख के कंप्लीट कर लेना क्योंकि उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है और जीरो प्राइस टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन नहीं किया है नहीं हुआ है तो रिक्वेस्ट सेंड कर देना उसके अंदर मैंने बता रखा है कि कैसे सेंड होगा कैसे आपको जीरो प्राइस टेस्ट सीरीज मिलेगा क्या क्लासेस का शेड्यूल रहेगा और ये ट्वेंटी डेज का क्रैश कोर्स दोस्तों आपके रिजल्ट को वाकई में बूस्टर करने वाला है तो चलिएगा इस इंपॉर्टेंट की शुरुआत करता हूँ मेरे बब्बर जयपुर के अंदर दिल्ली के अंदर ब्रांच कब लाओगे अगर आपका आशीर्वाद बना रहा आपकी दुआ बनी रही मेरे बच्चे तो दिल्ली के अंदर भी बहुत ही जल्दी ब्रांच आने वाला है और आशीष शर्मा अभी शर्मा बहुत जल्दी ही बुगली का ब्रांच आपके दिल्ली में भी आएगा क्योंकि मेरे सारे दोस्तों का जिनका सपना था कि सर जयपुर के अंदर ब्रांच आना चाहिए उनका सपना आज पूरा हो चुका है और संडे को जो बूस्टर क्लासेस जयपुर के अंदर मिल रही है उससे बहुत बेनिफिट भी हो रहा है और आप लोग काफी खुश भी हो रहे हैं जो क्लास लेने के लिए आ रहे हैं उनको अपनी प्रिपरेशन के अंदर वाकई चेंज नजर आ रहा है तो चलिएगा मेरे दोस्तों शुरू करता हूं कल हमारा ये हो गया था देखिएगा कल का बता देता हूं कहां तक हो चुका था लास्ट सेशन जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर के बाद कंप्लीट कर लेना ये हमारा हो चुका था यहां पर बाईपास बताया था मैंने यहां पर ब्लेंचिंग का क्वेश्चन था ये वाला हमारा बर्जर का क्वेश्चन था ये वाला हमारा फ्लेबाइटिस था दोस्तों और ये वाला हमारा इनसफिस वि था ये वेरिकोज वेन का फोटो था ये येज्म का फोटो था ये हमारे पास वेना केवा फिल्टर है डेक्रोनग्राफ्ट सॉरी ग्राफ्ट ये हमारा वेना केवा फिल्टर है दोस्तों और ये हमने सिखाया था पूरा कि किस प्रकार से वेना केवा फिल्टर काम करता है और मेरे बच्चों ये पल्मोनरी कैपेलरी वेज प्रेशर आपको सिखाया था सबको आता है ना पल्मोनरी कैपेलरी वेज प्रेशर कि सर किस तरीके से पल्मोनरी कैपेलरी वेज प्रेशर को मेजर करते हैं सबको आ चुका होगा आगे मैंने सिखाया था ये ईसीजी मशीन था ये कार्डियक मॉनिटर था इसमें ये सारे वाइटल क्या क्या दिखते हैं पूरे एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे बच्चों फिर मैंने ECG पढ़ाया था आपको और ईसीजी की सारी वेव और किस कारण से बनती है तो मैंने कहा था wave, से बनता, है। complex, से बनता है और टी वेव मेरे बच्चों वेंट्रिक्युलर डायस्टोल की वजह से बनता है तो यदि अगर कभी किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो कौन सा वेव एबसेंट हो जाएगा तो मैंने कहा था सर ट हो जाएगा अरे सबको नॉलेज में आ गया कि नहीं आया कि मैंने बोला कि एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हो गया क्यों क्योंकि atria का कौन सी बनाता बनाता है P wave बनाता है और यदि atria का fibrillation हो जाए atrial fibrillation, तो atrial fibrillation होते ही और इसीजी के अंदर पी वेव एबसेंट हो जाएगा तो कभी भी अगर हमारे नॉर्थ सेट के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि पी वेव एबेंट होना इंडिकेटिंग द

तो आंसर आता है मेरे बच्चों T फिर मैंने पूरे पूरेजी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था बेटा इनिशिएशन पॉइंट ऑफ इज कॉल्ड एज दी क्यू इंटरवेल फिर मैंने कहा आपसे कि क्यू पॉइंट से लेकर के और एंड ऑफ द टी वेव तक के इंटरवल को आपने कहा क्यूटी इंटरवल और फिर हमने कहा कि पी क्यू इंटरवेल का ड्यूरेशन पॉइंट टू सेकेंड और क्यू टी का पॉइंट फोर सेकेंड अब पूरा ईसीजी तो पॉइंट एट सेकेंड का बता रखा है और ये तो पॉइंट फोर और पॉइंट टू में ही पूरी वेव आ गई तो मैंने कहा था भाई साहब कि 0.1 सेकंड सेकेंड पी वेव के बाद में लैप्स होता है और 0.1 सेकंड सेकेंड पी वेव से पहले खाली चलता है तो दोनों तरफ पॉइंट वन पॉइंट वन सेकेंड खाली चलता है ग्राफ के अंदर और इसीलिए वन ईसीजी कंप्लीटली एक कार्डियक साइकिल होता है दोस्तों और वो होता है पॉइंट एट सेकेंड का तो वन एच आर बोल दें आपसे या वन ईसीजी कह दें मेरे बच्चों या वन कार्डियक साइकिल कह दें सबका आंसर क्या होगा पॉइंट एट सेकेंड यहां तक सबको क्लियर हो गया था ना ईसीजी जो मैंने सिखाया है बोलो भैया यहां तक बात ओके है और ये देखिए पूरा ईसीजी सिखा रखा है फिर मैंने आपको सिखाया था ईसीजी की लीड्स तो ईसीजी में दो तरह की लीड्स होती है दोस्तों यूनिपोलर लीड और बाइपोलर लीड यूनिपोलर जो लीड्स होती है ना उसके अंदर हमने कहा कि वो चेस्ट लीड तो, होती है थ्री तो और थ्री होती है लिम्ब लीड तो चेस्ट लीड और लिम्ब लीड और फिर होती है दोस्तों चेस्ट लीड सिक्स चेस्ट लीड और फिर मैंने कहा थ्री लिम्ब लीड्स और फिर इसके बाद बाइपोलर तो बाइपोलर भी थ्री लिम्ब लीड्स होती है थ्री बाइपोलर लिम लीड तो यहां पर मैंने कहा है आपसे कौन कौन सी लीड जो होती है वो बाइपोलर होती है और कौन यूनिपोलर होती है तो ये सिक्स लीड जो है दोस्तों ये यूनिपोलर है यूनिपोलर V1 से लेकर के और V6 तक ये पूरा V1 V2 V3 V4 V5 V6 पूरे सिक्स लीड का ईसीजी दिख गया सबको फिर आती है बात बाइपोलर लिंब और बाइपोलर चेस्ट यूनिपोलर चेस्ट तो यूनिपोलर चेस्ट में देखिएगा दोस्तों एवीआर एवीएल एवीएफ और फिर बाइपोलर लीड वन लीड टू लीड थ्री तो इस प्रकार से ओवरऑल ईसीजी के अंदर स्टैंडर्ड लीड्स की संख्या 12 होती है और इसमें इस तरह से ईसीजी के हर एक लीड का ईसीजी प्रिंट होता है फिर मैंने बोला इसके बाद साइनस टैकीकार्डिया तो साइनस टैकीकार्डिया हो गया तो यहां पर वी नो दैट हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आर इंटरवेल ईसीजी देखने का मतलब क्या है ईसीजी जब भी आप देखोगे तो क्या देखोगे आपको देखना होता है। और मतलब दोस्तों क्या हो गया हार्ट बढ़ गया है तो ऑलवेज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अरे सबको आ गया ये फॉर्मूला एक बार मुझे फाइनली फीडबैक बता दो बेटा यहां तक कि जो भी सर मैं बात कर रहा हूं वो सबको क्लियर है कि जब कभी भी आर आर एच आर बढ़ेगा हार्टरेट बढ़ेगा तो आर आर घटेगा और आर आर घटा मेरे बच्चों किसी का आर आर पॉइंट एट से कम आएगा तो उसको साइनस टेक कार्डिया देना है और इसका इसी जी इस तरह का दिखेगा इसी प्रकार साइनस ब्रेडी कार्डिया के अंदर जब भी कभी हार्ट रेट घटेगा तो आर आर बढ़ेगा तो आर आर यदि अगर प्रोलोंग हो रहा है आर आर प्रोलोंग आर आर आ रहा है तो प्रोलोंग आर आर क्या इंडिकेट करता है दोस्तों साइनस ब्रैडीकार्डिया को क्लियर है अब मैंने कहा एट्रियल फिब्रिलेशन तो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन करने की रेट लगभग 350 से लेकर के और 600 तक हो जाता है देखो आप ये एट्रिया चल रहा है नॉर्मल एट्रिया अब मेरे बच्चों मैंने कहा कि ये एट्रिया अगर फिब्रिलेशन कर जाए तो ये इस तरह से वाइब्रेट करने लगेगा इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा इतना कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा कि ये ब्लड को पंप कर दे और ब्लड को पंप नहीं करेगा तो ब्लड का स्टेसिस होगा और ब्लड का जब भी स्टेसिस होगा ना तो थ्रोम्बस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे थ्रोम्बस फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी तो हम ये भी क्वेश्चन समझते हैं कि एट्रियल फेब्रिलेशन द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बस इन द कार्डियक अरिदमियास कार्डियक अरे के अंदर कौन सा अरे ऐसा अरेट है हैव द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर द थ्रोम्बस फॉर्मेशन तो यू विल आंसर गाइस कि इन केस ऑफ़ द एट्रियल फिब्रिलेशन और द रेट ऑफ द एट्रिया विल बी 350 टू 600 पर मिनट गाइस द द इम्पल्स इन द एट्रिया विल स्टार्ट टू डू द सर्कस लाइक मूवमेंट और सो रिजल्टिंग इन द

तो पीवीसीज में मैंने कहा मेरे बच्चों कि जो ऐसे नोड है और एवी नोड है ऐसे नोड और एवी नोड के अलावा इसी जी, आ, हार्ट के अंदर और भी कई ऐसी नोड्स होती है जो इनएक्टिव पड़ी रहती है लेकिन अगर कभी कोई भी शौक हो गया कोई ड्रग हो गया कोई टॉक्सिसिटी हो गया उस वजह से हार्ट की एक्स्ट्रा नोड्स का एक्टिवेशन हो जाता है और इन एक्स्ट्रा नोड्स के एक्टिवेशन से इमेच्योर कॉन्ट्रेक्शन हार्ट में आने लग जाएंगे तो ऐसे इमेच्योर कॉन्ट्रेक्शन ईसीजी में भी दिखने लगेंगे और इस तरह के प्री मैच्योर कॉन्ट्रेक्शन को ही आप क्या कहते हो पीवीसी वी वेंट्रिकुलर प्रीमेर कॉन्ट्रेक्शन अब प्रीमेच्योर वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रेक्शन यदि अगर एक ही नोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उनको यूनिफोकल कहते हैं मल्टीपल नोड से अगर ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उन्हें मल्टीफोकल कहा जाता है जब इनका डायरेक्शन भी समान हो और इनका मेरे इनका मेरे बच्चों एम्पलीट्यूड भी समान हो तो ऐसा होता है यूनिफोकल में लेकिन मल्टीफोकल के अंदर एम्पलीट्यूड भी अलग होता है और इनका डायरेक्शन भी अलग होता है यानी कि कोई वेव पॉजिटिव हो सकता है तो दूसरा वेव नेगेटिव हो सकता है राइट right? एम्प्लीट्यूड किसी का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो अगली वेव का नेगेटिव हो सकता है तो इसको कहते हैं मेरे बच्चों मल्टीफोकल की पहचान यही है कि जो भी वो छोटे बड़े होंगे उनके एम्प्लीट्यूड समान नहीं होंगे और वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा क्लियर हो गया मेरे बच्चों पुष्पेंदर भारद्वाज सराप इतनी रात को भी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो बेटा इस प्रोफेशन में पैदा होने का मतलब है कि हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इस प्रोफेशन के लिए अपन को देना है अपन तो इतना सा ही कर रहे हैं लेकिन फ्लोरेंस ने तो अपनी जिंदगी लगा दी तो मेरे बच्चों मेरे लिए आप सब सोना हो आप सब ही मेरे लिए सब कुछ हो क्योंकि यदि अगर आपको मैं पढ़ा करके अपने मुकाम पे पहुंचा दूंगा तो मैं समझूंगा कि मेरी नॉलेज जो है वो साकार हो गई वरना मेरे बच्चों अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो ये नॉलेज जो है ना ये यही सड़ सड़ के दीमक लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी नॉलेज जो है वो बेकार जाए मेरे बच्चों में दो बार फर्स्ट ग्रेड जॉब के अंदर सेलेक्ट हो चुका हूं लेकिन जॉब मैंने ज्वाइन नहीं करा एम्स पटना नर्सिंग ट्यूटर और ज्वाइन नहीं करा तो मेरे बच्चों केवल एक ही कारण था कि मुझे बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना है और आज हुई पर मैं पढ़ा रहा हूं बहुत सेटिस्फाइड हूं रात को पढ़ा दूं दिन को पढ़ा दूं मेरे बच्चों आपका प्यार मिलता रहता है यही मेरे लिए सबसे बड़ी अमानत है सबसे बड़ी दौलत है और बेटा आपको मुझसे सीखना है कि सर जब इतने डेडिकेशन से हम लोगों को पढ़ा रहे हैं एग्जाम तो हमें देना है लेकिन सर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हमें तो सर की तुलना में चार गुना मेहनत करनी है तो आप सबको भी कफन बांध करके और मेरे साथ खड़ा हो जाना है कि नहीं सर आपका नाम रोशन करके हम दिखाएंगे सर आपकी मेहनत को हम सफल बना के दिखाएंगे आप जो प्रयास हमारे लिए कर रहे हो मेरे बच्चों बोगली हर एक जगह पे हर एक सेंटर पे एम्स का कोई ऐसा सेंटर ना हो उस दिन नॉर्सेट के दिन मुझे एक ही आवाज सुनाई दे चारों तरफ से कि हर हर बोगली घर घर बोगली और दोस्तों नॉर्सेट तक आपको मजबूती के साथ डटे रहना है तो मैंने कहा दोस्तों कि यदि अगर इस तरह से प्री कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हो तो आपको नोटिफाई करना है एससीपी को कब नोटिफाई करना है यदि प्रीमेच्योर कॉन्ट्रेक्शन की संख्या नंबर वन मिनट के अंदर यदि फाइव टू सिक्स से ज्यादा आ रहा हो यह फिगर याद रखना बेटा कि कितने कॉन्ट्रेक्शन वन मिनट के अंदर यदि प्रीमेच्योर हो रहे हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी एज अ नर्सिंग ऑफिसर as soon as possible immediately you need to notify to the scp अब कई बार क्या होता है दोस्तों जिसको प्रीमेच्योर कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं उसका कंटिन्यूसली टेलीमेट्री करते रहना टेलीमेट्री करने का मतलब क्या है टेलीमेट्री का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट उसकी बॉडी के रेगुलर आपको मॉनिटर करते रहना है क्यों करते रहना सर ऐसी क्या जरूरत आ गई अरे भैया कई बार याद रखना जो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन हाइपोकैलिमिया की वजह से भी आते रहते हैं और हम ये समझ बैठेंगे कि हार्ट हार्ट के अंदर कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। लेकिन हार्ट में कोई नहीं है और ये जो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रेक्शन आप देख रहे हो दैट आर ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट इंबेलेंस हाइपोकैलिमिया, और इसलिए याद रखना कार्डियक पेशेंट अगर है अरिदमिया का पेशेंट है तो कंटिन्यू टेलीमेट्री करना इज़ द वेरी असेंशियल क्लियर हो गया बेटा तो कंटिन्यू टेलीमेट्री हमें करना है क्योंकि पीवीसी हाइपोकैलीमिया की वजह से भी हो जाता है और हाइपोक्सिमिया की वजह से भी हो जाता है लगाओ स्टार दोनों क्वेश्चन पे दोनों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एम्स लिख दो मेरे बच्चों दोनों एम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है संभावना है और ऐसा कर दूंगा मेरे बच्चों आपको कि 20 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे के अंदर कि लैंग्वेज भी नहीं बदलेगा बेटा बस भरोसा रखना वुगली के साथ जुड़े हो तो कायम रखना अपनी सक्सेस के लिए अपने विश्वास को मैंने कहा कि 20 से 30 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे कि लैंग्वेज भी नहीं बदलेगी बेटा और जब जब हथियार उठाया है ना तब तब एक नया इतिहास रचा है ये भी साहू सर की जवान है मेरे बच्चों आप जानते हैं कि साहू सर या तो हथियार उठाते नहीं है लेकिन जिस दिन अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाते हैं तो जंग जीतने तक खड़े रहते हैं और जंग जीत के सेलिब्रेट करोगे तो मुझे साथ में रखना दोस्तों और जंग जीत के हम सब सेलिब्रेट करेंगे और आपका एक एक, एक, -एक मेहनत का एक एक पसीना आपका एक एक बूंद आपका पसीना दोस्तों उसको मेहनत के अंदर उसको सक्सेस के अंदर बदल के ही दम लूंगा आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा आपने जो सोच बनाया है ना कि मुझे सफल होना है आप कहते हो ना कि सर हमारा कोई साथी नहीं है सर हमें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है सर हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है दोस्तों याद रखना मैं खड़ा हूं आज के बाद ये मत कहना कि हमारे लिए कोई नहीं है सर कोचिंगों में जिन्होंने एडमिशन ले रखे हैं सर उनके लिए तो सब है हमारे लिए कौन है तो मैं खड़ा हूं दोस्तों आपके लिए निश्चिंत रहिएगा आपकी कोचिंग के अंदर भी आपको ऐसा कंटेंट ना मिलेगा जैसा यहां से आपको मिलेगा दोस्तों से मिलेगा और मैं आपके साथ मेहनत करूंगा उतने उतने लेवल से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों कि हजारों फीस पे करने वाले को भी समझ में नहीं आएगा जितना वूगली पढ़ के आप सीख जाओगे और एग्जाम में स्कोर करके आ जाओगे तो निश्चिंत रहना दोस्तों बस डायरी पेन अपनी कॉपी नोट्स कॉपी तैयार रखना और रोज जितना पढ़ा रहा हूं नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ते जाना कि सर ने क्या क्या कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कहाँ कहां स्टार लगा रखे हैं कहाँ कहाँ एम्स लिखा हुआ है यही वो पॉइंट्स है वो क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट हुए हैं दोस्तों और आपको इन्हीं को स्टार करके और एग्जाम टाइम पर रिवाइज करके जाना है आगे बात करने वाला हूं मेरे दोस्त SVT आप जानते हो सस्टेंड वेंट्रिक्यूलर टेकिकार्डिया तो सस्टेंड वेंट्रिक्यूलर टेकिकार्डिया रिमार्क वेंट्रिक्यूलर रेट 140 से 250 पहला स्टार लगा लो यहां पर अगर कभी भी आता है कि सस्टेंड SVT अरे सुना है ना सबने SVT यानी कि सस्टेंड वेंट्रिक्यूलर टेकिकार्डिया दोस्त जवाब क्या देना है 140 से 250 वेंट्रिक्यूलर रेट हो जाता है तो वी आर कितना हो जाता है वेंट्रिक्यूलर रेट हो जाता है दोस्तों 140 से लेकर के 250 के बिटवीन मैंने कहा लीड्स टू द कार्डियक अरेस्ट और दर्डियो वेंट्रिक्यूलर टेक कार्डिया का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी फॉर द कार्डियक अरेस्ट ईसीजी एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस डेविएशन एक ही बात याद कर लो और लगा दो स्टार यहां पर क्वेश्चन पे मैंने कहा कि यदि अगर ईसीजी का लेफ्ट वाला एक्सिस देखिए यहां पर ये ईसीजी बना रहा हूं ये इसका है मेरे दोस्त राइट एक्सिस और ये है इसका लेफ्ट एक्सिस ध्यान से देखो इसमें कौन सा एक्सिस झुका हुआ है एक बार देख के मुझे जल्दी से बता दो कि सर इस वाली ईसीजी के पैटर्न में कौन सा एक्सिस जो है वो ऐसे झुका हुआ है पुट करिएगा आंसर जल्दी से लिखो बेटा यस वेरी गुड शाबाश तो अगर कभी भी थियोटिकल क्वेश्चन आ जाए हमारे एग्जाम में कि सर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कब होता है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है दोस्तों एसवीटी के ईसीजी के अंदर और इसी प्रकार से आपको याद भी रखना है ऐसा ईसीजी दिख रहा हो ऐसा ईसीजी दिख रहा हो तो ये ईसीजी SVT का ECG है मेरे दोस्त आज के बाद कभी भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि SVT क्या होता है SVT सस्टेंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया अगर हुआ तो वेंट्रिकुलर रेट 140 से लेकर 250 के बिटवीन होता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में सस्टेंड VT के अंदर कार्डियक अरेस्ट की पॉसिबिलिटी होती है सस्टेंड VT के अंदर ईसीजी का लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है क्लियर हो गया सस्टेंड वेंट्रिक्यूलर टैकीकार्डिया या सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकॉर्डिया बात एक ही है क्लियर हो गया तो मेरे बच्चों यहां पर याद रखना आप लेफ्ट एक्सिस डेविएशन एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस डेविएशन यानी स्टार क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको बोलो भाई अरे क्रिस्टल क्लियर है यहां तक अंडरस्टैंड नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों वेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन जब आपको ऐसा रिदम दिख जाए जिसमें ना तो पल्स आ रहा हो और ना ही क्यू आर एस आ रहा हो एक ऐसा दिख रहा है यहां पर जिसमें ना तो पल्स आ रहा है और ना ही क्यू आर एस आ रहा हो तो ये है मेरे बच्चों वी एफ क्या है ये वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन है और रेट टोटली कितना आ जाएगा लगभग 400 से लेकर 500 बीट्स इन वन मिनट तो मैंने कहा कि यदि अगर वे हार्ट है व्यक्ति का और बेटा 400 से लेकर 500 बीट कर रहा है जैसे हमने कहा कि यदि अगर हार्ट है और नॉर्मली जो हार्ट बीटिंग कर रहा है वो ऐसे करेगा और ये करेगा तो मेरे बच्चों ये हार्ट का एक पावरफुल बीटिंग है जिसमें कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो रहा है लेकिन मैं कहूं कि इस हार्ट की रेट जो है वो 400 से 500 हो जाए तो क्या होगा देखना एक मिनट में 72 टू चल रहा है तो अच्छा कार्डियक आउटपुट होगा लेकिन मैं कहूं कि चार सौ बार चल रहा है तो क्या होगा वाइब्रेशन होगा केवल मात्र कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगा और फोर्स जनरेट नहीं होगा ना दोस्त तो कार्डियक आउटपुट भी नहीं होगा और कार्डियक आउटपुट नहीं होगा तो पल्स भी नहीं आएगा और जब पल्स नहीं आएगा तो देखना ध्यान से समझना बात को अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ईसीजी पढ़ाया और कहा कि बेटा ये ईसीजी का पी वेव क्यू आर एस टी बड़े ध्यान से समझते जाना मैंने कहा पी क्यू आर एस टी सबको आ गया फिर मैंने बोला कि पी वेव का मतलब है मेरे बच्चों एट्रिया का सिस्टोल क्यू आर एस का मतलब है मेरे बच्चों वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल और टी वेव का मीन से मेरे बच्चों वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल यदि अगर हार्ट का रेट 400 से लेकर के 500 पर मिनट हो जाए तो क्या वेंट्रिकल का सिस्टोल हो पाएगा जवाब दो मुझे क्या वेंट्रिकल में यदि अगर 400 से 500 रेट हो जाए तो क्या वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा या वेंट्रिकल के अंदर एफओसी होगा अरे एफ होगा क्या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या नहीं होगा सर और नहीं होगा तो इसी जी को याद करने की जरूरत नहीं है अपने आप याद रहेगा अगर हो गया, तो नहीं होगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो आउटपुट भी नहीं होगा और कार्डियक आउटपुट नहीं होगा मेरे दोस्त तो पल्स भी नहीं होगा तो क्या नहीं आएगा इस व्यक्ति का पल्स नहीं आएगा ना अरे सबको आ गया क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्या पल्स आएगा पल्स नहीं आएगा और पल्स नहीं आ रहा है मेरे बच्चों तो यहां पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ECG में कैसे जब चलेगा जब जी का 400 से 500 रेट होगा तो आपको पता है कि वेंट्रिकल का सिस्टोल नहीं हो रहा है सिस्टोल से कौन सा वेव बनता था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता था सबको पता है भली बात क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता था और यदि सिस्टोल नहीं होगा तो ECG में क्या अपियर नहीं होगा अरे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अपियर नहीं होगा अब तो डाउट क्लियर है तो जवाब समझ में आ गया कि जब भी वीएफ होगा तो वी एफ होने से रेट हो जाती है एक बार मेरे साथ बोलो सब लोग रिपीट करो वेंट्रिक्यूलर रेट हो जाता है फोर हंड्रेड से फाइव हंड्रेड जैसे ही ऐसा होता है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है तो कार्डियक आउटपुट भी नहीं होता है और कार्डियक आउटपुट नहीं होता है तो पल्स भी नहीं आता है और पल्स नहीं आता है यानी कि वेंट्रिक्युलर सिस्टोल नहीं हो रहा है और वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं हो रहा है तो ईसीजी में क्यू आर एस भी नहीं बनेगा अभी अभी मैंने सिखाया एक बार फिर से मैं आप सबको जोड़ना चाहता हूं वापस टॉपिक्स को आपस में जोड़ करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं ध्यान से देखते जाइए कंसंट्रेशन के साथ में मैंने कहा पी वेव क्यू आर एस और टी हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पी वेव क्यू बनता है एट्रियल सिस्टोल की वजह से क्यू आर एस क्यों बनता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से फिर मैंने कहा टी वेव क्यू बनता है वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल की वजह से अब मैंने बोला कि यदि अगर किसी क्लाइंट को एट्रिया का फिब्रिलेशन फिब्रिलेशन हो हो जाए जाए या मैंने बोला कि किसी क्लाइंट को वेंट्रिकल का फिब्रिलेशन हो जाए, तो ध्यान से समझना दोनों बातों को एट्रिया का फिब्रिलेशन अगर हो जाए ना मेरे बच्चों तो क्या नहीं होगा ब्लड का ब्लड का स्टेसिस हो जाएगा ये देखिए आप हार्ट को भी बनाता हूं यहां पर ये आपका हार्ट है और यहां पर ये आता है में से कहा से आता है लेग्स में से वीनस रिटर्न आता है और कहा आता है मेरे बच्चों राइट एट्रिया के अंदर फिर जाता है राइट right वेंट्रिकल के अंदर यदि अगर किसी भी पर्सन का हार्ट का एट्रिया फिब्रिलेशन कर रहा है तो मेरे बच्चों उसमें क्या नहीं होगा एट्रिया ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा और ब्लड राइट एट्रिया से राइट right वेंट्रिकल में नहीं आएगा नहीं आएगा तो इंफीरियर केवा के अंदर कलेक्ट होगा और इन्फीरियर वेना केवा में कलेक्ट होगा तो ब्लड का क्या होगा बेटा स्टेसिस होगा और ब्लड का स्टेसिस होगा तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस काफी ज्यादा होंगे तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से टाइप के अरमिया के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है तो आंसर क्या दोगे आप सर एट्रियल फिब्रिलेशन में और एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हुआ तो कौन सा वेव ईसीजी में नहीं बनेगा पी वेव नहीं बनेगा और दूसरी तरफ मैंने कहा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है और अगर वेंट्रिकल का फिब्रिलेशन हुआ तो मेरे बच्चों कौन सा वेव नहीं बनेगा क्यूआरएस ईसीजी में नहीं बनेगा और क्या होगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा और पल्स नहीं आएगा अब बोलो मेरे बच्चों कभी भूलने जैसा या कोई डाउट कोई सवाल अरदमिया से रिलेटेड किसी को बचा किसी को बचा क्या एक बार मुझे फाइनली फीडबैक दे दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा आज के बाद कभी भी कोई सवाल आ जाए कार्डियमिया का जवाब गलत नहीं जाना चाहिए ये जो इसी जी आप देख रहे हो ये जो ईसीजी देख रहे हो बेटा आप ये ईसीजी किसका ईसीजी है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अगर हो जाता है तो एस सून एज पॉसिबल अपन क्या करते हैं सीपीआर करते हैं और सीपीआर के बाद में क्या करते हैं डीफाइब करते हैं मेरे बच्चों डिफिब्रिलेशन किया जाता है जिससे कि उसका कार्डियक पंपिंग एबिलिटी जो है उसको मेंटेन करना हमारा मेन गोल होता है ओके okay, तो यहां पर मैंने कहा आपसे मोस्ट डेंजरस अरिदमिया होता है फिब्रिलेशन जिसमें कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बहुत ही अधिक होती है और तीन से पांच मिनट के अंदर अंदर यह अपने पेशेंट को लेके उड़ जाएगा सबसे डेंजरस अरेदमिया अगर पूछा जाए मोस्ट डेंजरस अरेदमिया धन आंसर विल बी वी एफ अगर वी एफ कॉन्स्टेंटली कितने समय तक बना रहे कि इट विल बी फटल कितना जवाब दोगे बेटा आंसर दीजिएगा इट विल द द्री टू फाइव मिनट द रेट ऑफ इन केस ऑफ वी एफ देव हंड्रेड एंड दी जी ऑफ द वी एफ द

ए एफ का पिक है ओके क्यू आर एस बन रहा है लेकिन इसमें ए एफ के अंदर क्यू आर एस प्रेजेंट है ना क्यू आर एस प्रेजेंट है ना लेकिन क्या एबसेंट है ठीक है देख गया ए एफ का अब दिखाता हूं वी एफ का वी एफ के अंदर मेरे बच्चों क्या नहीं है यहां पर क्यू आर एस नहीं है और क्यू आर एस नहीं होता है किस कंडीशन में केवल वी एफ की कंडीशन में क्रिस्टल क्लियर है तो जोर से बोल दो एक बार कि हर एक एग्जाम सेंटर के बार मेरे वुगलियंस का ही झंडा लहराना चाहिए हर एक एम्स के सेंटर के बार एक ही नारा मुझे सुनाई दे अपना दोस्त हो अपना साथी हो मेरे बच्चों मैंने हमेशा कहा है आपसे कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो आपको क्लास के बारे में पता चल गया है लेकिन सेल्फिश मत बनना दोस्त उस गरीब छात्र की भी मदद करना जो पढ़ना चाहता है अपने परिवार के अंदर उसको भी शामिल करना अपने वुगली फैमिली के अंदर जो आगे बढ़ना चाहता है, है, सोर्स नहीं है, तो मेरे बच्चों उस हर एक साथी को इन्फॉर्म करना आपकी नैतिक ड्यूटी है जो आगे बढ़ना चाहता है कुछ पढ़ना चाहता है वो भी इतनी एक्सीलेंट लेक्चर के माध्यम से अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहता है उसको जरूर से जरूर बताना क्योंकि हम सब वुगलियंस का एक ही फर्ज है कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को हमें आगे बढ़ाना है इसके अंदर क्वालिटी लेके आनी है इसका लेवल उठाना है दोस्तों और मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं तो चलिएगा आगे बढ़ने वाले हैं अपन और अगला देखिए वेंट्रिक्युलर टैकी कार्डिया का आरदमिया तो वेंट्रिक्यूलर टैकी कार्डिया ये है दोस्तों सस्टेंड वेंट्रिक्युलर टैकी कार्डिया svt के अंदर इस तरह का भी आर्दमिया बनता है ईसीजी बनता है दोस्तों यहां पर एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ये जो इमेज लिया है मैंने लिपिन कोर्ट से लिया हुआ है और लिपिन कोर्ट का काफी ज्यादा पॉपुलर डायग्राम होता है जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है तो इस फोटो को आप याद कर लेना और समझ लेना कि ये किस तरह का बना हुआ है तो देख लीजिएगा ये इस तरह का दिख रहा है इसको केवल आपको याद करना है ओके कि इस तरह का भी जो आंसर होता है वो क्या होता है VT. मेरे बच्चों ventricular still, जब कभी भी किसी की जीवन की जीवन रेखा सीधी हो जाती है सीधा सा मतलब है मेरे बच्चों कि हार्ट के अंदर इंपल्स नहीं आ रहे हैं जनरेट ही नहीं हो रहा है तो क्या हो जाता है जीवन की रेखा सीधी हो जाती है और इस कंडीशन को जिसमें ईसीजी सीधा हो जाए इसको कहते हैं दोस्त वेंट्रिकल का रुक जाना स्टैंड स्टिल हो जाना या फिर असिस्टॉल हो जाना यानी कि नो स्टौल। स्टौल नो सिस्टॉल यानी कोई इंपल्स नहीं है कोई सिस्टॉल नहीं हो रहा है कोई कार्डियक आउटपुट नहीं होगा और कोई वाइटल साइन नहीं आएंगे दोस्तों और इस कंडीशन को कहा जाता है स्टैंड स्टिल असिस्टॉल तो असिस्टॉल का कॉन्सेप्ट सबको आ गया और इसी जी भी दिख गया होगा कि जीवन की रेखा का सीधा हो जाना वेंट्रिक्यूलर असिस्टॉल यानी कि वेंट्रिक्यूलर स्टैंड स्टिल कहलाता है मेरे बच्चों दोस्तों एक और सुना होगा पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल समझना इस बात को कि ईएमडी क्या होता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिसोशिएशन क्या होता है मैंने कहा दोस्तों कि हार्ट के अंदर ऐसे नोड जो होता है वो इंपल्स जनरेट करता है और ये ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करके और मैकेनिकली ये यहां पर क्या करता है वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता है कॉन्ट्रेक्शन बोले तो मेरे बच्चों क्या करता है सिस्टॉल करता है और सिस्टोल क्या है एक प्रकार का मैकेनिकल एक्टिविटी है क्या है ये मैकेनिकल एक्टिविटी है यस और नो। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो जनरेट कर रहा है ऐसे नोड रेगुलरली लेकिन क्या नहीं हो रहा है मैकेनिकल कोई भी एक्टिविटी हार्ट में नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि इंपल्स जो है वो वेंट्रिकल तक डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं यानी कहीं ना कहीं इसके पाथवे के अंदर यदि प्रॉब्लम आ जाए तो पाथवे क्या होता है ऐसे नोड से एवी नोड एवी नोड से मेरे बच्चों बंडल ऑफिस बंडल ऑफिस से पुरकिंजे फाइबर बंडल ऑफिस से बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच यसोनो और, और यहां से पुरकिंजे फाइबर और पुरकिंजे फाइबर से मायोकार्डियम और मायोकार्डियम के अंदर क्या होता है सिस्टोल होता है सर क्या होता है सिस्टोल होता है अब मैं ये बोलूं आपसे ऐसे नोड जो है ना ये तो इम्पल्स जनरेट कर रहा है इम्पल्स पैदा कर रहा है लेकिन ये जो पाथ है ये पाथ फॉलो ना हो और या फिर ये जो पाथ है ये डिस्टर्ब हो जाए इस पाथ पे इंपल्स ना जाकर के कहीं और ही चले जाए और क्या नहीं होगा इससे वेंट्रिकल में सिस्टोल नहीं होगा तो कोई मैकेनिकल एक्टिविटी मायोकार्डियम के अंदर नहीं होगा मेरे बच्चों हो ही नहीं रहा है तो हम ऐसे अरे को क्या बोलेंगे तो नाम देना पड़ेगा इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिसोसिएशन असोसिएशन का मतलब है कनेक्शन और इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिसोसिएशन मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज प्रेजेंट एनी मैकेलेक्ट्रो मैकेनिकल डिसोशिएशन मेरे बच्चों क्रिस्टल क्लियर हुआ डेफिनेशन आया कि नहीं आया अरे डेफिनेशन सबको आया कि नहीं आया बोलो भैया अरे बोलो यार इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन का मतलब सबको समझ में आया इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन में क्या पल्स आएगा पल्स नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि सिस्टोल नहीं हो रहा है और सिस्टोल नहीं हो रहा है तो पल्स भी जनरेट नहीं होगा पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो इस तरह का अरेद्मिया जब भी बनेगा तो इस प्रकार का अरेद्मिया बनने वाला है मेरे बच्चों ये इसी जी बनने वाला है लगा दो स्टार क्रिस्टल क्लियर है सबको नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों हार्ट का ब्लॉक हो जाना समझिए ध्यान से अब मैंने कहा दिस इज ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन हार्ट के अंदर मेरे बच्चों क्या होता है यहां ऐसे नोड होता है जो पूरे हार्ट को चलाता है और इसीलिए एसे नोड को क्या बोलते हैं हम पेस मेकर कहते हैं ना मेकर क्या करता है इम्पल्स जनरेट करता है एवी नोड पे जाता है एवी नोड से ये चलता है दोस्तों और बंडल ऑफ बंडल ऑफ हिस के माध्यम से ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है लेफ्ट बंडल ब्रांच और इधर हो जाता है राइट बंडल ब्रांच और दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राइट बंडल ब्रांच या लेफ्ट बंडल ब्रांच तक इंपल्स आते हैं लेकिन ये ब्रांच जो है वो ब्लॉक हो जाए और इम्पल्स मायोकार्डियम में ना जा पाए तो यदि ये लेग ये वाली ब्रांच ब्लॉक हो जाती है तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और यदि ये लेग ब्लॉक हो जाती है तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक अंडरस्टैंड तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया किसे कहते हैं दोस्तों हार्ट का ब्लॉक हो जाना या हार्ट का स्लो हो जाना या हार्ट के इंपल्स का ट्रांसमिट नहीं होना समझिएगा यदि अगर मैं बोलूं आपसे कि हार्ट जो है इंपल्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है और इंपल्स यहां से प्रोड्यूस तो हो रहे हैं दोस्तों लेकिन प्रॉपरली मायोकार्डियम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप कह देंगे वन डिग्री हार्ट ब्लॉक यदि मेरे बच्चों हार्ट के इंपल्स का इंटरमिटेंटली मैंने कहा पार्शियली ब्लॉकेज हो गया कैसा हो गया पार्शियली यदि इंटरमिटेंटली ब्लॉक हो जाए दोस्तों तो उसको सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहेंगे और कंप्लीटली हार्ट के इंपल्सिस का ट्रांसमिशन मायोकार्डियम तक ब्लॉक हो जाए तो उसको आप थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक बोलेंगे क्या बोलेंगे थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को कहा जाएगा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक तो एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक किसे कहते हैं और ऑप्शन में क्या देता है वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री और फोर डिग्री अब जो भी तुक्केबाजी करता है ना एग्जाम के अंदर वो सोचता है कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक तो इसको ही बोला जा सकता है और वो इस तरह से गैस करके और आंसर लगाने की कोशिश करता है और अपनी स्कोर के अंदर एक और नेगेटिव स्कोर वो कमा लेता है और हमें ये ध्यान होगा अगर कि थर्ड डिग्री से ज्यादा हार्ट ब्लॉक का क्लासिफिकेशन नहीं है तो मेरे बच्चों हमारा आंसर क्या होगा थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोला जाता है वन डिग्री को पार्शियल सेकंड डिग्री को इंटरमीडिएट और थर्ड डिग्री को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोला जाता है अब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में वन डिग्री हार्ट ब्लॉक का ईसीजी इस प्रकार का होता है मेरे बच्चों जिसमें पीआर इंटरवल इंटरवेल ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी सेकेंड से ज्यादा आता है तो आपसे पूछूं वन डिग्री हार्ट ब्लॉक का ईसीजी तो पहला तो ईसीजी की प्रैक्टिस करना है आपको ओके ऐसा ईसीजी बनता है दूसरी प्रैक्टिस आपको ये करनी है दोस्तों कि इसके अंदर पीआर इंटरवल कितना आएगा तो पीआर इंटरवल का ड्यूरेशन हो जाता है इसके अंदर 0.20 सेकंड से ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है अगला सवाल है मेरा आपसे सेकंड डिग्री अब सेकंड डिग्री के अंदर दोस्तों दो प्रकार का मोबिज टाइप वन यानी वेंच बैक, और दूसरा होता है मोबिज टाइप सेकेंड तो दो प्रकार का हार्ट ब्लॉक होता है मोबिज टाइप वन और मोबिज टाइप सेकेंड तो मोबिज टाइप वन का इसी जी ऐसा अब इसकी पहचान यह है कि इसका जो पीआर होगा वो पीआर वेरिएबल दिखता है तो इसको कैसे पहचानते हैं ये समझ लो आप तो जो मोबिज सेकेंड डिग्री जो है दोस्तों इसको कहते हैं मोबिज टाइप फर्स्ट हार्ट ब्लॉक पहले तो ये क्वेश्चन याद रखो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से हार्ट ब्लॉक को मोबिस टाइप फर्स्ट कहते हैं तो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का मोबिस टाइप फर्स्ट है अब इसकी पहचान क्या है समझ लीजिएगा यहां पर आप जब पीआर इंटरवल को देखोगे तो यहां पीआर इंटरवल इतना सा आ रहा है यहां पर ये इतना हो गया यहां पर फिर छोटा हो गया यहां पर फिर बड़ा हो गया और यहां फिर छोटा हो गया मेरे बच्चों अगर आपको ऐसा ईसीजी दिखे जिसका पी आर इंटरवेल वेरिएबल आ रहा है तो यह वेरिएबल केवल मात्र मोबिच टाइप वन सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की पहचान होती है बोलो हो सकता है आपको आज तक अरदमिया नहीं आता हो लेकिन एक बार अपने दोस्त को भी यह क्लास दिखा देना मेरे बच्चों जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे आप कि सर किसी टीचर ने आपको सिखाया था और दोस्तों वादा है बोगली सर का आपसे कि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना यूं चुटकियों में सोल्व कर दोगे आप पूरी एमएसएन के क्वेश्चन और एमएसएन का पता है ना दोस्तों कि अगर आपको पढ़ना ही है और सेलेक्ट ही होना है अगर कमांड ही बनानी है किसी सब्जेक्ट के ऊपर तो एम पे कमांड बना के देखो दोस्तों सिलेक्शन पीछे पीछे भागेगा आपका क्योंकि हम जानते हैं कंपिटिटिव एग्जाम्स का हमारे नॉर्सेट का मेरे बच्चों या कोई भी अदर नर्सिंग कंपिटिटिव एग्जाम का 50 से 60 परसेंट पेपर सोल्व करना किस पे डिपेंड होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के ऊपर और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ही आपने कमांड में कर लिया तो समझ लेना आप बाकी सब्जेक्ट्स को तो चुटकियों में याद कर लोगे बाकी सब्जेक्ट्स को इतना सीरियस मत लो चाहे से आप। लेकिन अगर सीरियस ही लेना है तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पे रखना है दोस्तों मैंने कहा कि एक ईसीजी ऐसा दिख रहा है कम ऑन द टॉपिक मैंने बोला कि एक ईसीजी ऐसा दिख रहा है दोस्त जिसके अंदर पीआर इंटरवल वेरिएबल आ रहा है तो ये ईसीजी किस तरह के अरिदमिया का ईसीजी है तो पहले तो ये समझ जाना कि सर ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का ईसीजी है दूसरा आप ये समझ जाना कि सर इसका पीआर वेरिएबल है ना तो ये मोबिज टाइप वन कहलाता है क्या कहलाता है मोबिज टाइप वन सबको आ गया बेटा बोलो वही अरे बोलो मेरे बब्बर शेरो यहां तक जितना पढ़ाया एक बार मुझे फीडबैक दे दो मेरे बच्चों कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आप खुश हो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है इतना मुझे बता दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों क्लियर है सबको यस शाहरुख कुमारी वेलकम बेटा शाबाश अब आता है मोबिज टाइप सेकंड तो मोबिज टाइप सेकंड का इसी जी जब आप देखोगे तो आपको पीआर इंटरवल कांस्टेंट नजर आएगा कैसा नजर आएगा मेरे दोस्तों यदि अगर आपको पीआर इंटरवल कांस्टेंट नजर आए ध्यान से देखना यहां पर पीआर इंटरवल यहां पर पीआर इंटरवल यहां पर पीआर इंटरवल और दोस्तों पीआर इंटरवल जितना भी ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का पी आर इंटरवेल तो पी आर इंटरवेल यदि अगर आपको ईसीजी में कॉन्स्टेंट नजर आ रहा हो इक्वल नजर आ रहा हो तो वो ईसीजी किसका है दोस्तों सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का है और सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर मोबिज टाइप सेकेंड का ईसीजी है तो मोबिज टाइप मैंने कहा सबसे पहले वन डिग्री हार्ट ब्लॉक वन डिग्री हार्ट ब्लॉक की क्या पहचान है पीआर इंटरवल प्रोलोंग आता है पीआर इंटरवल प्रोलोंग आता है दोस्तों तो ये किसकी पहचान है वन डिग्री की पीआर इंटरवल वेरिएबल आता है तो सेकेंड डिग्री टाइप वन की पीआर इंटरवल कांस्टेंट आता है तो मेरे बच्चों सेकंड डिग्री और टाइप सेकेंड की पहचान है यहां तक क्रिस्टल क्लियर अगर मैं कहूं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक तो मेरे गजोधर पीआर वेरिएबल होता है लेकिन नो रिलेशन इन पी एंड क्यू आर एस प्रोड्यूस सिंकॉप और स्ट्रॉक <coughs> तो हमने कहा कि यदि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का अगर सर इन्हीं के साथ मिक्स कर दिया जाए तो मैं कैसे पहचानूंगा बहुत आसान है वहां पर केवल मैंने पीआर इंटरवल चेंज करवाया लेकिन यहां पीआर इंटरवल तो वेरिएबल है टाइप वन की तरह सेकंड डिग्री मोबिज टाइप वन की तरह पीआर इंटरवल तो वेरिएबल है लेकिन और क्या एक्स्ट्रा इसमें दिखेगा आपको क्यू आर एस और पी के बिटवीन कोई रिलेशन नहीं दिखेगा नो रिलेशन इन द पी एंड क्यू आर एस पी देन पी यहां फिर पी आ गया पी पी आ गया फिर आर आ गया फिर पी आ गया पी आ गया पी आ गया तो मेरे बच्चों ये पी 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 अरे इस तरह का अगर आपको ईसीजी नजर आए कभी भी देर विल बी द नो रिलेशन बिटवीन वाट सर देर विल बी द नो रिलेशन बिटवीन दी वे एंड द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सर इज डिनोटिंग दर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक तो मेरे गजोधर आपको आज के बाद हार्ट ब्लॉक नाम के इस टॉपिक के अंदर कभी कोई तकलीफ आएगा क्या तीन प्रकार का हार्ट ब्लॉक मैंने बोला वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री वन डिग्री हार्ट ब्लॉक को मैंने कहा पार्शियल ब्लॉक सेकेंड डिग्री को बोला मैंने इंटरमिटेंट ब्लॉक क्या बोला बेटा इंटरमिटेंट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट हार्ट ब्लॉक ब्लॉक को मैंने बोला कंप्लीट अंडरस्टैंड नोट्स बना लेना बेटा बहुत आसानी होगी आपको एग्जाम टाइम पर पढ़ने के लिए इंटरमिटेंट हार्ट ब्लॉक जो है ये दो टाइप का मोबिज टाइप वन और मोबिज टाइप सेकेंड मैंने कहा कि वन डिग्री हार्ट ब्लॉक अगर है तो पी आर इंटरवेल देखो और पी आर इंटरवेल ग्रेटर यदि इंटरमिटेंट हार्ट ब्लॉक देखो आप सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर मोबिज टाइप वन का पेशेंट है तो पी आर इंटरवेल जो है वो वेरिएबल आता है और यदि मोबिज टाइप सेकेंड का पेशेंट है तो पी आर इंटरवेल जो है वो कॉन्स्टेंट आता है यदि अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का पेसेंट है मेरे दोस्तों तो इसके अंदर भी पी आर इंटरवेल जो है वो कॉन्स्टेंट आता है वेरिएबल आता है कैसा आता है वेरिएबल आता है लेकिन एक खास पहचान इसकी क्या होती है कि नो रिलेशन नो रिलेशन बिटवीन पी वेव एंड द क्यू आर एस क्रिस्टल क्लियर है क्या यहां तक जितना पढ़ाया है सबको लर्न हो चुका कि नहीं हो चुका मेरे बच्चों क्लास के अंदर ही लर्न हो के जाना है आपको सब कुछ क्लास क्लास में ही लर्न होना चाहिए, तभी जाके बात है। अगर साहू सर की अटेंड करी और फिर भी मजा नहीं आया, याद नहीं हुआ तो फिर तो क्या मतलब है मेरे बच्चों वुगली करने का भूगली ज्वाइन करना मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पे आप पहुंच चुके हो मेरे बच्चों जब कहां से भी उद्धार नहीं होता है ना तो अंतिम सॉल्यूशन होता है वुगली और दोस्तों बुगली ज्वाइन करने के बाद मैंने मेरे कई छात्रों को देखा है कि उनकी जॉब लगी है तो प्यारे दोस्तों आज हम सब बुगलियंस को मिलकर के हमारे इस नर्सिंग प्रोफेशन को बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाना है काफी सुधार इसके अंदर आवश्यक है पढ़ाने में टीचिंग में टीचर्स की क्वालिटी के अंदर दोस्तों बहुत चेंज करने की आवश्यकता है और मैं आप सबको यूं ही गाइड करूंगा और गाइड करके एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन जरूर से जरूर इस प्रोफेशन के अंदर लेके आऊंगा मेरे परिवार का मेरे वुगलियंस हर एक वुगलियंस की जॉब लगे और हर एक वुगलियन जिस दिन एग्जाम देने जाएगा हर सेंटर के बाहर जोर से नारा लगाएगा कि आई एम वोगलियन आई एम वोगली, आप सब वोगली है दोस्तों आप सब वोगली है और मैं भी वोगली हूं, मेरे बच्चों हम सब वोगली है और वोगली द पावर ऑफ प्रोफेशन तो चलिए अब बढ़ता हूं यहाँ तक सबको क्लियर है तो नेक्स्ट आगे बढ़ने वाला हूं मेरे बपर शेरों ये सबसे पहला जो प्रोसीजर आप देख रहे हो दिस इज कार्डियो वर्जन इमेज बेस ना, दिस इज द कार्डियो वर्जन और मेरे बच्चों ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हो ये है डिफिब्रिलेटर क्या है बेटा डिफिब्रिलेटर और ये जो आप देख रहे हैं ये है दोस्तों पेस मेकर क्या है ये पेस मेकर अब आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी भी क्लाइंट को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो जाए या किसी भी क्लाइंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए तो इनमें से कौन सी डिवाइस उसको नॉर्मल कर देगा जवाब यदि फिब्रिलेशन हो जाए तो कौन सा डिवाइस है उसको नॉर्मल कर देगा तो हमारा आंसर है डी दूसरा क्वेश्चन सुनिए यदि कौन एक पेशेंट के अंदर ऐसे नोड अगर फेल हो जाए ऐसे नोड काम ना करे तो इसमें से कौन सा डिवाइस काम करेगा ऐसे नोड फेल हो जाने पर कौन सा डिवाइस यूज किया जाएगा शाबाश मेरे बच्चों ऐसे नोड फेल हो जाने पर पेस मेकर हार्ट को चलाता है कौन चलाता है पेस मेकर ह्यूमन हार्ट को चलाता है मेरे बच्चों यदि अगर हम कहें कि प्लांट तरीके से इलेक्ट्रिकल क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है ये क्या है इमरजेंसी है अरिदमियास को कंट्रोल करने का ये अरिदमियास को कंट्रोल करने का मेरे बच्चों ये क्या है अरिदमियास को टैकी कार्डियास को कंट्रोल करने का एक परमानेंट इम्प्लांटेबल सॉल्यूशन है कार्डियो वर्जन जिसके अंदर एक फिक्स अमाउंट का जितना डिमांड के अकॉर्डिंग ये कैसे काम करता है कि डिमांड के अकॉर्डिंग ये करंट को डिलीवर करता है तो यह मेरे बच्चों दोनों के अंदर डिफरेंस होता है फिब्रिलेशन और मेरे बच्चों अगला देखिए आप ये जो डिवाइस देख रहे हो यह ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डीफिब्रिलेटर है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफेब्रिलेटर है कार्डियोवर्जन प्लांट है और वेंट डी फैब अनप्लान है इमरजेंसी मैनेजमेंट है ये जो फोटो देख रहे हो आप पेस मेकर है दोस्तों और पेस मेकर को हमने इम्प्लांट करके इसकी लीड्स को हार्ट के अंदर पहुंचा रखा है ये जो फोटो देख रहे हो दोस्तों ये टेम्परे ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग है टेम्परे ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग इस इमेज बेस को याद रखेंगे स्पेशली और जिसने मेरे बच्चों लेक्चर वन नहीं देखा है वो लेक्चर जरूर अटेंड कर लेना क्लास के बाद में और जिसने पूरा प्लान नहीं देखा है कि 20 दिन का ये क्रैश कोर्स कैसे हम कंप्लीट करेंगे किस तरीके से हमारा ये क्रैश कोर्स होगा तो मेरे दोस्तों सुपर एनालिस कर दिया था पहले लेक्चर में सुपर एनालिसिस सेशन को देख करके समझ लेना कि जीरो प्राइस टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी और किस प्रकार से क्लासेस चल रही है ट्वेंटी डेज में कैसे सर हमारा पूरा सिलेबस करवाएंगे ये आपको पूरा समझने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी मिलेगी सुपर एनालिस पल्सेशन या एन्यूरिज्म यदि अगर आपको कभी ये वाला फोटो दिखे दोस्त और इसमें इस तरह से फील किया जा रहा है तो ये क्या फील किया जा रहा है एबडोमिनल अवोटिक एन्यूरिज्म को पल्सेशन के माध्यम से हम फील कर रहे हैं पाल्पेशन करके देख रहे हैं दोस्तों थोरेसिक एवोटिक एन्यूरिज्म का फोटो देखिएगा ध्यान से और समझ जाइएगा कि दैट इमेज इज इंडिकेटिंग द थोरेसिक एब्डोमिनल थोरेसिक एन्यूरिज्म और एन्यूरिज्म क्या होता है आउट पाउचिंग होता है आउट पाउचिंग इज एन द एन्यूरिज्म इन द एवोटा नेक्स्ट फोटो देखिए आप ये निडिल जो होता है दोस्तों क्या काम आता है इसको पहचान करके स्टार मार्क कर लीजिएगा कि सर ये जो निडिल होता है ना ये एन्यूरिज्म को हैंडल करने के लिए जब उसकी सर्जरी करते हैं ना तो एन्यूरिज्म को हैंडल करने के लिए स्पेशल निडिल होता है कहीं एन्यूरिज्म जो है वो रप्चर ना हो जाए तो इसका नाम है एन्यूरिज्म निडिल याद रखना है इसको इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। मैंने कहा ये जो पेयर दिख रहे हैं ये है डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के ये जो आप देख रहे हो यह एनजियोग्राफी स्टंट, स्टंट डालते हैं वो स्टंट है। हार्ट के अंदर ब्लॉक आ जाता है कॉर्नर आर्टरी में तो ये स्टंट डलता है और ये जो देख रहे हो आप ये सेंट्रल वीनस कैथेटर का किट है मेरे बच्चों सीवीसी किट है सेंट्रल वीनस कैथेटर नेक्स्ट जो देख रहे हो आप सेंट्रल किया जा रहा है तो सेंट्रल के अंदर यह डिवाइस देखिए आप सेंट्रल वेन के थ्रू इंसर्ट करके इसको आप सब के थ्रू हार्ट की मायोकार्डियम हार्ट की कोरोनरी तक पहुंचा रखा है नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों यह सी मास्क होता है सी मास्क इसका फोटो इंपॉर्टेंट होता है सीपेप मास्क नेक्स्ट देखिए कार्डियक मॉनिटर दिख गया सबको अगला फोटो देखिए डीवीटी गारमेंट्स और डीवीटी गारमेंट क्यों लगाते हैं तो जिसको भी मेरे बच्चों डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है तो उसकी जो लेग्स हैं उनके अंदर ब्लड का स्टेसिस होने की वजह से थ्रोम्बस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और थ्रोम्बस की संभावना को कम करने के लिए अपन को क्या करना रहता है कंप्रेशन गारमेंट का यूज करके और उसकी मसल्स को पंप करवाते हैं जिससे कि मसल्स जो है वो ब्लड को पंप करना शुरू कर दे आ गया क्लियर है यहां तक तो ये जो फोटो देख रहे हो ना आप ये है डीबीटी गार्मेंट का डीवीटी गार्मेंट किसको पहनाते हैं जिसको डीवीटी हो रहा है डीवीटी में क्यों जरूरत है इन गार्मेंट्स की क्योंकि लेग के जो मसल्स हैं और जो वेन है उसमें ब्लड का स्टेसिस हो रहा है ब्लड रुक रहा है ब्लॉक हो रहा है तो इसलिए थ्रोम्बस बनने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है डीबीटी वालों को और इसलिए अपन गारमेंट कंप्रेशन गारमेंट पहना करके ये क्या करेंगे कंप्रेशन गारमेंट कंप्रेस करेंगे ब्लड को वेन को वेन कंप्रेस करेंगे और वीनस रिटन को हार्ट तक पहुंचाएंगे यानी कि ये काफ मसल का, का काम करेंगे आपने सुन रखा है ना काफ को सेकेंड हार्ट कहते हैं काफ मसल को क्या कहा जाता है सेकेंड हार्ट बोला जाता है सेकेंड हार्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि तो सबसे ज्यादा ब्लड को पंप करने पर जो एफर्ट लगता है वो काफ के माध्यम से ही लगता है अगला फोटो देखिए मेरे बच्चों ये है कंपेंस कंप्रेशन कंप्रेशन गारमेंट गारमेंट पैरों के अंदर लेग्स के अंदर फुट के अंदर नेक्स्ट आप ये फुट के अंदर लेग के अंदर देख रहे हो ये सब डीवीटी कंप्रेशन गारमेंट्स है ये एंजियोग्राफी का वायर है दोस्तों जो एंजियोग्राफी करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ये हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है जिन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है ना सीएडी तो सीएडी के अंदर ये यहाँ पर का बता रखा है अंदर एंजियोग्राफी कर रहे हो एंजियोप्लास्टी कर रहे हो पीसीडब्ल्यूपी कर रहे हो तो यहाँ पर एक कैथेटर काम आता है जिसका टर्मिनल एंड पे एक बलून होता है और इस बलून को इस बलून की वजह से इस कैथेटर को हम पीटीसीए बलून कैथेटर कहते हैं ये है ईसीजी मशीन जो आप सबको पहले भी मैं बता चुका हूं ये फोटो यहाँ पर अनस्थेशिया मॉनिटर का है दोस्तों जब भी कभी कोई सर्जरी होता है चाहे वो बाईपास कर रहे हो अपन हार्ट की या बॉडी के किसी भी ऑर्गन की तो यहाँ पर ये मशीन जो है बॉडी के अंदर उस पेशेंट के अनस्थेशिया का लेवल मॉनिटर करती रहती है और इसलिए इसका नाम रखा गया अनस्थेशिया मॉनिटर मेरे बच्चों ये जो आप देख रहे हो एबीजी एनालिस किट है ये एबीजी यानी के 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 ब्लड के ब्लड के अंदर गैस मॉनिटर करने वाला नेक्स्ट देखिए आप टेम्परेरी मॉनिटर है ये टेलीमेट्री मॉनिटर जिस पे आपको मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब कभी भी किसी क्लाइंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा हो तो एट्रियल फिब्रिलेशन हाइपोक्सीमिया के कारण भी हो जाता है और हाइपोकैलिमिया की वजह से भी हो जाता है तो हाइपोकैलिमिया और जयपुर की क्लास जो भी आना चाहते हैं संडे को संडे को अपना ये आने वाला जो संडे है मेरे बच्चों इस संडे को आपका सेशन नंबर 3 है जयपुर में सेशन 3 तो जो भी वहां पे आकर ऑफलाइन लेना चाहते हो ये तो आप ऑनलाइन देख रहे हो लेकिन एक बार ऑफलाइन का टेस्ट भी जरूर चख के देखना साहू सर का कि कितना स्वादिष्ट आता है ऑफलाइन जो भी आना चाहते हैं मेरे बच्चों सुबह नौ से लेकर शाम को पांच बजे तक क्लास चलती है और यूनिट अभी चल रहा है हेमेटोलॉजी कौन सा यूनिट चल रहा है हेमेटोलॉजी क्लियर है रजिस्ट्रेशन बुगली ऐप के अंदर दे रखा है रजिस्ट्रेशन वहां से आसानी से कर सकते हो सर्च कर लेना स्टोर में जाके सेशन थ्री और मेरे बच्चों एक तीस तारीख से मैंने वाई बैच स्टार्ट करा है कोटा के अंदर तीस जून से ऑफलाइन और ऑनलाइन नया बैच शुरू हो रहा है बुगली का वाई बैच और वाई बैच के भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं तो जिसको भी पूरी क्लास लेनी है और जो प्रिपरेशन करना चाहता है बुगली के साथ में तो कर लेना मेरे दोस्तों आपके लिए एक और मौका और एक और उपकार मैं करने वाला हूं वही फीस है फीस वगैरह जो है बहुत नेग्लिजिबल है बुगली का बहुत कम है सबसे कम है मेरा एक ही एम है बस मेरा नर्सिंग प्रोफेशन पढ़ता रहे आगे बढ़ता रहे तो दोस्तों मैंने कहा ये टेलीमेट्री मॉनिटर है मेरे बच्चों यहां से देखिएगा टेलीमेट्री ट्रांसमीटर यह कहलाता है यहां पर यह आर्म के ऊपर लगाया जाता है और इसके माध्यम से टेलीमेट्री मॉनिटरिंग होता है यहां पर देखिएगा ये कैथ लैब है दोस्तों कैथलैब जानते हो ना कैथलैब जो कार्डियक लैब होती है जिसपे एंजियोग्राफी वगैरह की जाती है उस मशीन को कार्डियक कैथ लैब कहा जाता है ये अल्ट्रासाउंड है अल्ट्रासाउंड इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन याद रखना है आपको ये हार्ट और लंग्स बाईपास है जब भी हार्ट का बाईपास सर्जरी होगा आर्टरी तो हमें कुछ समय के लिए हार्ट को और लंग्स को एक मशीन के माध्यम से रखना पड़ेगा और उसको हम कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग और उस दौरान जो हार्ट और लंग्स को चलाएगा उस मशीन को कहते हैं हार्ट लंग्स बाईपास मशीन ओके नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों ये सिरिंज का इन्फ्यूजन पंप है ये जो आप देख रहे हो ये अल्ट्रासाउंड है अल्ट्रासाउंड है पॉकेट में सबको आता है स्टेटोस्कोप का ये वाला पार्ट कहलाता है बेल जिसमें एक होल होता है और ये कहलाता है दोस्तों डाइफ्राम ओके ये चेस्ट पीस होता है ये ईयर पीस होते हैं ईयर पीस चेस्ट पीस ये हेडसेट होता है और ये मेटल की ट्यूब्स होती है और ये फ्लेक्सिबल रबर के ट्यूब होते हैं क्रिस्टल क्लियर है तो ये था मेरे बच्चों कार्डियोलॉजी का ये वाला विनिंग सीरीज का ट्वेंटी डेज क्रैश कोर्स का दो लेक्चर में कार्डियोलॉजी मैंने आपको कंप्लीटली सिखा दिया है दोस्त आगे का जो क्लास चलने वाला है नेक्स्ट यूनिट आपको आएगा और उसका नोटिफिकेशन आज डल जाएगा टाइम से क्लास आ जाया करो और जिनके प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट नहीं है मेरे बच्चों वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर से जरूर कंप्लीट करें और दोस्तों यदि अगर मेरी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई मेहनत इस प्रोफेशन के प्रति मेरा डेडिकेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्लास को लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों यदि अगर आप भी अगर समझते हो सीखते हो दोस्तों के माध्यम से तो अपना एक कमेंट लिख करके मुझे जरूर से जरूर आपका फीडबैक बताइएगा आप मेरी पढ़ाई से अगर हैं तो डेफिनेटली मेरे बच्चों एक कमेंट लिख करके मुझे बताना कि सर आप जो पढ़ाते हो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों शुभ रात्रि लव यू ऑल विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू